जान अचकज़ई साहब, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करूंगी। ये कयास आ रही हैं एनआरओ की चल रही थी, वो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब गए, एनआरओ की कोशिश की, कोई एनआरओ नहीं मिला, इसलिए आ जाए तो उन्हीं के ऊपर बरस पड़े जिनके जिनको सऊदी अरब अपना आका समझता है, यानी यूएसए पर। क्या ये बात दुरुस्त है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मीडिया में वो दोस्त, वो एंकर, वो साफ़ी जिन्होंने कौम को मामू बनाया एनआरओ के हवाले से, उन्होंने कहा नवाज शरीफ एग्जाइल जा रहे हैं, नवाज शरीफ ने पता नहीं क्या लिया, वो डिसक्वालीफाइड हो चुके हैं, वो FZ-62 के तहत अब जो है उन्हें छोड़ देना चाहिए प्रोफेशन। लिहाजा ये 6 मौकियाँ उनकी हैं, उनसे आप पूछें और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़मीन पर आ गई है। तो जहाँ पर हम पे आप तनकीद करते हैं पूरा हक है, इसी तरह मीडिया के कुछ दोस्तों पर तनकीद करना भी हमारा हक है कि किस तरह उन्होंने एक ख्याली दुनिया कंस्ट्रक्ट की और आखिर में पता चला कि कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, जो उन्होंने इस्तदलाल या तौजी या तशरी की है, अब कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोगों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो थियरीज उन्होंने गढ़ी थी उनकी इंडोर्समेंट चाहिए, उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं? फिर मैं पूछना चाहूँगा इतनी बुखलाहट क्यों है हमारे अपोजिशन में, हमारे क्रिटिक्स में, लोग इतने क्यों घबराए हुए हैं कि ये क्यों अपोजिशन, ये क्यों सऊदी अरब गए, जबकि खान साहब भी एक प्राइवेट तैयारा लेके कलकत्ता माजी में जाते थे, हिंदुस्तान जाते, दूसरे जरदारी साहब दुबई जाते एक प्राइवेट तैयारा लेके, तो इसमें हमने कभी नहीं पूछा, ना हम कभी बुखलाहट का शिकार हुए। तैयारा ना ये सऊदी अरब की तरफ से या इंडिया की तरफ से या यूएई की तरफ से तो तैयारे नहीं आते थे, यहाँ तो मामला ही अलग है ना। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, जो एक आम शख्सियत नहीं है, जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो एक पार्टी के सरबरा हैं, अगर उनके ताल्लुकात वहाँ पे हैं और दूसरे लीडरों के नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तैयार आना एक आम सी बात थी, कोई आम सी बात है बिल्कुल, यानी वो बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं उम्र में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं हम तो जाते रहते कोई मसला नहीं है, असल में तैयार आना बड़ी बात है ना। वो लोग जो मायूस हुए हैं, जिनकी जो अफवाहें थी वो मर गई हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जीरो हो गई है, वो चाहते हैं कि आप इसके पीछे छुप जाएंगे, जी ये वजाहत आपने क्यों नहीं दी, ये काफ़ी नहीं है। तो मैं अब उनके साथ मेरी हमदर्दी है, लेकिन प्रोफेशनली उनकी जो स्टोरियां थी वो अमली ग्राउंड में कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, सेलफ नहीं हुए, और आज मैं समझता हूं कि लोग हमसे हम पे हंसते हैं कि ये आप मीडिया में जाते हैं, दोस्तों के साथ आप बात करते हैं, सारे आपके जानने और दोस्त हैं, ये किस तरह जो है थियरियां सेल करते हैं, और ये जर्नलिज्म का मयार क्या है कि ख्वाहिशात की बुनियाद पे आप जो है नहीं तो आप उस मयार को आज नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं तमाम की तमाम चीजें फैक्ट्स और फिक्शंस को सारे के सारे डिफरेंशिएट कर दूंगा, इस्लामाबाद के अंदर तमाम के तमाम सबूत के साथ रखूंगा, तो यहाँ भी सबूत दे दें, कुछ जाता तो नहीं है ना, इतने सारे सबूत जहाँ वो जमा करके बैठे हुए बाकी चीजों के लिए, तो यहाँ भी दे दें कि तैयारियां क्यों आया, क्या हुआ, एक आम सी बात थी, तो आम से तरीके से PIA पे जिस तरह बुक करके प्लेन जाते हैं उस तरीके से चला जाते, कोई मसला नहीं था। मैं आई कैन नॉट हेल्प के किसी की ख्वाहिश के मुताबिक जवाब शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब दें, सियासत में जो है आप तनकीद करते हैं, सवालात करना आपका हक है, लेकिन ख्वाहिश के मुताबिक जवाब देना किसी की जिम्मेदारी नहीं है।